यूपी के कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। Gentlemen, 5 days after he plotted the murder of 8 policemen in Kanpur, फरीदाबाद में विकास दुबे के रुकने और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा भी हाई अलर्ट पे। गैंगस्टर विकास दुबे के दाहिने हाथ अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। विकास दुबे के मारे जाने की खबर है। विकास दुबे ने हथियार छीनने की कोशिश की थी, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसके बाद उसे मार गिराया गया। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही हो। हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहाँ पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान मृत्यु घोषित की। कितनी गोली लगी है विकास दुबे? अभी आया हूँ यार, अभी आया हूँ, मुझे देखने तो दो, घटनास्थल निरीक्षण करने दो, अपने लोगों से बात करने दो। विकास दुबे नमस्कार, दोबारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, वही विकास दुबे जिसके बारे में लगातार 5-6 दिन से आप सुनते रहे हैं, 3 जुलाई से आप सुनते रहे उस घटना के बाद से, जब विकास दुबे और उसके गुर्गों ने मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। कानपुर शहर का ये जिक्र है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही थी विकास दुबे को, विकास दुबे रोड से ही यानी सड़क के किनारे ही कार में बैठकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गया और तब तक पुलिस उसके पास तक नहीं पहुंच पाई जब तक वो उज्जैन पहुंचा। वहां पर महाकाल मंदिर में उसने पूजा की, प्रार्थना की, पुलिस को फोन किया, लोकल पुलिस को, और कहा कि आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। जिसको पुलिस ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, कि हमने उसे नैब कर लिया है, हमने उसको दबोच लिया है। दरअसल ये एक सरेंडर था, एक समर्पण था, क्योंकि विकास दुबे को शायद ये शक रहा होगा कि उसकी कहीं हत्या ना कर दी जाए, उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। अब ये पूरी कहानी जो शायद आपने अब तक सुन ली होगी कि जो कहानी पुलिस बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे जो पुलिस की जो वैन थी वो उलट गई, इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस पिस्तौल छीनने की कोशिश की गई पुलिस वाले से विकास दुबे के जरिए, और इसी झड़प में, इसी जो है वो कार्रवाई में विकास दुबे को गोली लगी और इस वजह से उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग ये सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसका लगभग 30 साल का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जो एक पॉलिटिशियंस के साथ एक बड़ा नेक्सस चलाता था और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा था, आधे दर्जन से ज़्यादा, 30 साल से वो इसी काम में संलग्न था और 60 से ज़्यादा उसके ऊपर मामले थे, और अब हाल ही में उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। ऐसे व्यक्ति को आखिर क्या हुआ अगर ये बिना इन्वेस्टिगेशन के ही अगर पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया, क्योंकि ये घटना काफ़ी हद तक हैदराबाद की उस घटना से मिलती जुलती है जहां वो 4 जो दोषी थे, बलात्कार के लोग आरोपी थे, उनको पुलिस वालों ने एनकाउंटर में मार दिया था। तो यही घटनाक्रम अब यहां पर आ रहा है कि क्या वाकई पुलिस अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेगी। मेरे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर NC अस्थाना मौजूद होंगे जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर NC अस्थाना फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं और DGP रह चुके हैं केरल के, लेकिन उससे पहले कई सवाल आपके सामने हैं जो मैं रखना चाहती हूं, और इन्हीं सवालों से मैं के जरिए इस पूरे मामले को मैं समझने की भी कोशिश करूंगी। 3 महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जिस कहानी को बार बार मजाक में कहने की कोशिश हो रही थी, यानी जिसके लिए बाकायदा डर जाहिर किया जा रहा था, कि क्या तमाम तरह के सबूत गवाह मिटाने के लिए, क्योंकि 5 जो है वो सहयोगियों की भी कभी एनकाउंटर कर दिया गया, घर जो है, घर में जितने सबूत हो सकते थे घर को ढा दिया गया विकास दुबे के, वो भी खत्म हो गए, क्या धीरे धीरे पुलिस ये तमाम वो सबूत खत्म करने की कोशिश करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आखिर कौन ऐसा है जो ये चाहता था कि विकास दुबे जिंदा ना रहे, उसकी जिंदगी किसके लिए खतरनाक थी। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर पुलिस इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगी, तो क्या वकीलों, अदालतों सबकी छुट्टी कर दी जाए सिर्फ अगर कोई शिकायत दर्ज होती है और पुलिस उस पर पूरा फैसला सुना देगी? क्या क्यों जरूरी है जो कानून का राज है एक लोकतंत्र में वो स्थापित रहे, वो मजबूत हो, उसकी उसकी इज्जत की जाए, ये क्यों जरूरी है कि अदालतों से ही इंसाफ आए, पुलिस अपने हाथ में कानून व्यवस्था ना ले?
डॉक्टर अस्थाना, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि मैं आपकी ट्वीट्स देख रही थी और उन ट्वीट्स में आप ये कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी की नजर से भी अगर आप देखें तो आपके लिए इस पूरी थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल है कि वाकई ये एक जेन्युइन एनकाउंटर है। ये कहानी इतनी इनक्रेडिबल इन लोगों ने बनाई है कि उस पर तो सोते सोते भी यकीन नहीं किया जा सकता है। एकदम शुरू करें तो पुलिस वालों के हथियार कैसे छीने जा सकते हैं, मतलब हाउ कुड यू बी सो इररेस्पॉन्सिबल विद योर वेपन्स, आप इतने बदहवास कैसे हो सकते हैं अपने हथियारों को लेकर कि उनको कोई छीन ले। पंजाब इंसर्जेंसी के समय से ही हम लोग सर्विस में आए तभी से आदेश है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई हथियार छीन सकता है तो उसको एक लेनयार्ड से सिक्योर करके रखें, उसके नीचे एक पैराकॉर्ड लगती है जो बेल्ट में लग जाती है, इट कैन नॉट बी स्नैच्ड। इवन राइफल्स के लिए आदेश है, जब पंजाब में एक दो बार छीन ली गई थी तो दिल्ली तक में लोग चेन लगा के खड़े होते थे। तो इस आदेश का अवहेलना आपने क्यों की, जबकि आप ये कहानी बना रहे हो कि प्रभात मिश्रा के साथ यह हुआ, उसने भी छीनने की चेष्टा की, तो एक दिन बाद तो सुधर जाना था। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट मौजूद है कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि वो डिमीनिंग होता है। फाइन, एक है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1990 का है, इसको जस्टिस कृष्ण अय्यर ने लिखा था। और दूसरा डिवीजन बेंच का जजमेंट है सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, ये 95 का है। दोनों में ये आदेश दिया गया है कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जानी है, लेकिन अगर कोई वायलेंट टाइप का आदमी है या डेंजरस है जिसके लिए मालूम है पहले से, सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी जजमेंट में उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इफ देयर इज क्रेडिबल टेंडेंसी फॉर वायलेंस एंड एस्केप, और जस्टिस अय्यर ने अपनी अच्छी अंग्रेजी में लिखा है व्हेन देयर इज टेंजिबल टेस्टिमनी ऑफ डेस्परेट बिहेवियर, तो आपको तो मालूम है तो इतना दुर्दांत अपराधी है तब आप क्यों उसको हथकड़ी नहीं लगाए। ऐसे तो आप किसी भी छोटे जिले की कचहरी पर खड़े हो जाए तो पान वाले को भी ये लोग हथकड़ी लगा के रस्सी से बांध के कुत्ते की तरह से लाते हैं, कितने बार मजिस्ट्रेट लोगों को ऐतराज करना पड़ता है तो इनको हथकड़ी क्यों नहीं लगी। तो उसको जिस तरह से आप ला रहे थे पहले तो वही गलत था, दूसरे आप जो गाड़ी पलटने की कहानी बना रहे हो ये तो मतलब सरासर झूठ और बेवकूफी है। तो कि पहली बात कि गाड़ी सड़क के मोर और लेस पैरेलल है, ठीक है, अगर गाड़ी स्किड होकर टॉपल हुई होती तो पहली चीज स्किड मार्क्स होने चाहिए थे। सड़क को छोड़कर जो कच्ची जमीन है वो तो गीली है, उस पर तो निहायत ही आसानी से स्किड मार्क्स बन जाने चाहिए थे जो कि नहीं बने हुए हैं। स्किड गाड़ी तब होती है जबकि आपके पीछे का व्हील सड़क से पैरेलल है, आगे का व्हील आपने स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है और तब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं, देन अ टॉर्क डेवलप्स एंड द गाड़ी रोटेट्स। यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी पर खरोंच मात्र भी नहीं है, उसके दरवाजे भी बंद है, वाइपर चल रहा है गाड़ी का, और आप बोल रहे हो कि गाड़ी टॉपल हो गई, दिस इज इनक्रेडिबल। दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हो कि उसमें से वो निकल के भाग गया, गाड़ी उल्टी छह आदमी उसमें बैठे हुए हैं, सबको थोड़ी बहुत चोट लगी और ये तो ऐसे भी दौड़ वाला आदमी है, शरीर से कोई मजबूत भी नहीं है, और ये निकल के भाग गया, आपने उसको खींचने का प्रयास भी नहीं किया, आपके हथियार भी और उसकी टांग में पहले से तकलीफ पता चला है, टांग में बोलते हैं कि दो रॉड्स भी डली हुई है, तो ये उसके और अबव ऑल आप उस जगह को देखें, दोनों तरफ खाली खेत, खुली जगह पर जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं, ये चंबल के बीहड़ नहीं है कि उबड़ खाबड़ जमीन है, किसी खड्ड के पीछे छिप गया, किसी उस टिकरी के पीछे छिप गया, फ्लैट लैंड, वहां कहां कोई भाग के जा सकता है। डॉक्टर अस्थाना, अगला सवाल ये पैदा होता है, पहली बात तो जैसे आपने कहा कि ये इतनी ऐसी कहानी है, इतना हास्यास्पद है ये कि लोगों ने पहले से ही मजाक से इसकी स्क्रिप्ट लिख दी थी, कुछ पत्रकारों ने ट्विटर पे मैं देख रही थी कि देखिए वो पुलिस की पिस्तौल छीनने की कोशिश करेगा, पुलिस जो है वो उसके ऊपर जवाबी और फायर करने की कोशिश करेगा, पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी और पुलिस जवाबी कार्रवाई में वो मारा जाएगा, और ये लोग उसको मजाक का विषय बना रहे थे। तो पुलिस ने इतना भी जैसे कहते हैं एक लिहाज या इतना भी धर्म नहीं रखा कि इस कहानी को इस तरह से ना सही तो किसी और तरीके से बनाने की कोशिश की गई होती। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस को, सरकार की बात छोड़ देते हैं, नेताओं की बात छोड़ देते हैं, राज्य की पुलिस को, पुलिस के आला अफसरों को क्या अपनी विश्वसनीयता की, अपने भरोसे की आम आदमी में कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ नहीं? आप सच कह रहे हैं, इन लोगों को वस्तुतः कोई परवाह नहीं है, इसीलिए रंच मात्र भी दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करते हैं।
आपने इसके पहले जब इसका मामा प्रेम प्रकाश पांडे और एक और आदमी जो एनकाउंटर के तुरंत बाद मारे गए थे, बोला गया कि 4 किलोमीटर दूर ही मारे गए, उसमें जो हिंदी में इन लोगों ने साइटेशन घटना का विवरण जो बनाया था, उसमें आपने देखा होगा कि बालों को छूते हुए गोली निकल गई और बदमाश जो है गिरा, झुका झुका गिरा, मतलब जैसे कि रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉलों पर वो सस्ते थ्रिलर नॉवेल बिकते हैं उस तरह से। उसमें हर आदमी आप अगर गौर करें तो आईजी साहब से लेकर और नीचे तक हर आदमी 9mm पिस्टल से फायर कर रहा है, 4-4 राउंड, गिनती से 4-4 राउंड सबने फायर किए हैं। 9mm से हम लोगों ने जीवन में फोर्सेज, क्योंकि मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा हिस्सा फोर्सेज में गुजारा है, परहैप्स द लॉन्गेस्ट ऑफ एनी आईपीएस ऑफिसर, एक एक एनकाउंटर में 4,000 गोली हम लोग चला लेते हैं जिन्होंने जीवन में उतने न चलाई हो। 9mm पिस्टल से 25 गज की दूरी पे आदमी को मारना मुश्किल होता है। थ्योरेटिकल इफेक्टिव रेंज इज 40 yards, लेकिन जब तक आप साल भर में 2,000 राउंड फायर करके प्रैक्टिस न किए हो तो 25 गज पर आदमी को गोली नहीं लगती। हर आदमी 4-4 गोली मारा है, क्यों इतने करीब से कहां फायर हो रहा है? एंड अबव ऑल जैसे विकास दुबे के लिए मान ही मान लो थ्योरेटिकली कि पिस्टल लेके भाग गया, एक पिस्टल में 12 राउंड ही तो है, 12 राउंड जब वो खर्च कर लेगा तो उसके बाद तो नियत्था हो जाएगा, उसके बाद तो आप जूते जूते मार सकते हैं उसको। और जैसा कि उसके स्ट्रेचर पर जो फोटो आ रहा है कि गाड़ी से निकलकर भागा, दौड़ा, गोली चली, मारा गया, मास्क उसका लगा है, मास्क लगाया, डक्ट टेप से चिपका लिया है, मास्क उसका हटा ही नहीं, क्योंकि पुलिस को ये ख्याल ही नहीं आया कि मास्क को हटा देखिए। फैक्ट ये दिमाग नहीं लगाते हैं। मैं किसी पीरियड के अफसरों से तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन पहले लोग ज्यादा दिमाग लगाते थे। मैं रिकॉर्ड पर एक घटना का जिक्र कर सकता हूँ, मैं उसमें मतलब डिटेल्स नहीं दूंगा। ये 90s की घटना है कश्मीर की, देर वन एक एनकाउंटर देर जिसमें 3 लोग मारे गए। ये जो खुशी के लिए मेरे पास कि अब उन लोग को प्रोसिक्यूट किया जाए कि न किया जाए, लेकिन उसका जब डिटेल्स देखा गया तो उन लोगों ने कहानी इतनी पक्की बनाई थी, जितने खोक फायर किया है ठीक उतने खोखे मौजूद हैं, द एंगल ऑफ फायरिंग, कितना डैमेज हुआ, क्या डैमेज हुआ, द स्टोरी वाज आयरन क्लैड, नॉट ओनली दैट इवन द पोस्टमार्टम वाज परफेक्ट। तो उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कहीं से देने की गुंजाइश ही नहीं। आजकल लोग उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। इसे आपको याद होगा, इवन पंजाब टेररिज्म तक के दिनों में जब लोग फेक एनकाउंटर करते थे और सामने से गोली मार दिया करते थे तो एक तौलिया को भिगा कर वो उसके सीने पर रख देते थे ताकि पाउडर मार्क्स ना आने पाए। अगर आप करीब से किसी को 10 इंच की गोली से मार रही है तो फ्लेम जो निकलती है दैट विल सिंज द स्किन, स्किन पे सिंजिंग के मार्क आ जाएंगे। जो पुराने घाघ अफसर होते थे वो लोग भीगा तौलिया रख देते थे ताकि भीगा तौलिया फ्लेम को काउंटर कर लेगा। और डॉक्टर सोनम, मैं देख रही हूँ कि आपकी खुशी में एक दुख भी मैं देख रही हूँ कि आपके जो अपने कलीग्स हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो किस तरह से अपने मास्टर की आवाज, जिसे कहते हैं मास्टर वॉइस बन गए हैं, यानी एक तरह से एक तरह की पुलिस अधिकारियों को भारतीय संविधान ने पुलिस फोर्स को एक ऑटोनोमी दी है, एक तरह की आजादी स्वैस कर दी है कि उन्हें अपने नेताओं के अंतर्गत काम नहीं करना है, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी एक तरह से इज्जत, अपना पूरी विश्वसनीयता, सब कुछ होने को तैयार है और एक तरह से बिल्कुल रहमो करम पर या गुलामी पर उतर आए हैं नेताओं की। ये भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मैं इस बात का भी ख्याल नहीं था कि आम जनता ये भी पूछेगी कि जब जिस व्यक्ति ने दूसरे राज्य में जाके सरेंडर किया, उसने मंदिर में महापूजा की महाकाल में और उसके बाद पूजा करने के बाद उसने खुद फोन किया कि आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, वहां मारपीट नहीं हुई, खून खराबा नहीं हुआ, तो अचानक वो व्यक्ति जो अपने को सरेंडर कर रहा था। और इसके अलावा दर्शकों को एक और बात याद दिलानी जरूरी है कि एक एक वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वकील ने ये कहा कि घनश्याम उपाध्याय नाम के वकील है, जिन्होंने ये कहा कि उन्हें ये खतरा है कि जान लेने की कोशिश की जा सकती है विकास दुबे की और उनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए, लेकिन उससे पहले की सुनवाई होती उससे पहले ही सब कुछ हो गया। तो जो व्यक्ति जो सरेंडर खुद कर रहा था वो आखिर भाग कर अपनी जान देने की कोशिश क्यों करेगा? इसमें जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि अब वो तो मर गया, उससे क्या बात हुई थी ये पता नहीं चल सकता, लेकिन जहां तक लॉजिकल डिडक्शन है, दैट्स हाउ शर्लॉक होम्स वुड हैव आर्ग्यूड, लॉजिकल डिडक्शन से ऐसा लगता है कि अमानत में खयानत का मामला है। उसके साथ कोई ना कोई डील हुई होगी कि तुम सरेंडर कर दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बदले में तुम अदालत में मुंह बंद रखना, ज्यादा मत बोलना, ताकि नेक्सस जो है छिपा रहे। लेकिन अमानत में खयानत कर दी, उसके बाद उसको उड़ा दिया, मतलब उसके अब नेक्सस की कोई बात ही नहीं खड़ी होती।
क्योंकि देखिए आपने जो गुलामी शब्द का प्रयोग किया, वस्तुतः गुलामी से भी बदतर कुछ हो रहा है। मतलब अब रिकॉर्डेड इंटरव्यू है पब्लिक के लिए, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब जिस तरह से अफसरों ने अपने जमीर को बेच दिया है वो बहुत ही मतलब शोचनीय है। और ये हाल के ही कुछ वर्षों की बात है, मतलब पहले इतना नहीं होता था, नॉट दैट कि पहले के अफसर बड़े दूध के धुले थे, लेकिन जिस तरह से एब्जेक्ट सरेंडर अब कर दिया गया है, इतना एब्जेक्ट सरेंडर पहले नहीं था। कि इच्छा व्यक्त की गई कि ठोक देना है बंदे को तो ठोक दिया हमने, थोड़े अच्छे तरह से ठोक दिए होते। थोड़ी जैसे कि आपने आर्टिकल 15 फिल्म देखी होगी, उसमें एक सिपाही जो एक्यूज्ड होता है, जब उसको उसकी बहन भी होती है जो एसपी साहब के यहाँ ही काम करती है, व्हेन ही इज कन्फ्रंटेड कि उसने पाप कर दिया है, तो एक ट्रक के आगे कूद के आत्महत्या कर लेता है। वैसे ही स्टोरी बना दिए होते कि ही वॉज ओवरकम बाई रिपेंटेंस, और चाय की दुकान पे हम लोग बैठे थे, वो उधर से गाड़ी आ रही थी, कूद के मर गया। कुछ क्रेडिबल स्टोरी बना देते अगर मारना ही था तो, जो अदालत में टिक जाती, ये फेयर इन्वेस्टिगेशन अदालत में टिकेगी नहीं। आप ये चाहते हैं कि ये पुलिस वाले इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, न सिर्फ की विकास दुबे के मामले में बल्कि जो पांच और उनके जो खास लोग थे, जो उनके एज थे, उनको उनके सहयोगी थे, उनकी हत्या के एक महीने के अंदर मारा गया, उनके मामले में क्या आपको लगता है कि यही सही तरीका हो सकता है कि हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन कौन करेगा ये मुकदमा? नहीं नहीं, मुकदमा तो देखिए इन्वेस्टिगेशन मेहनत का काम, मेहनत करके उनको प्रोसिक्यूट करके सजा दिलवाई जा सकती थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए संतोष शुक्ला के केस में भी जो कहानी मतलब हर लोकल अखबार पूछते हैं कि जो पुलिस अधिकारी इस एनकाउंटर में शामिल है, जो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर है, क्या इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो 2014 में PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में है, जिसमें उन्होंने 16 पॉइंट गाइडलाइन दी हुई है। दिस ऑर्डर वॉज इनडायरेक्टली चैलेंज्ड बाय एपी ऑफिसर्स एसोसिएशन, इन लोगों ने उसको चैलेंज किया था तुरंत, और ये मेरा ख्याल है अठारह जुलाई 2019 को इसमें एपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के केस में फैसला हुआ, इन विच सुप्रीम कोर्ट रीइटरेटेड कि जो हमारा 2014 का PUCL बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का फैसला है वो कायम रहेगा, उसमें FIR का आदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि FIR कर दो, FIR का इन्वेस्टिगेशन किसको करना है? किसी न किसी पुलिस एजेंसी को ही न करना है। पुलिस एजेंसी की इम्पार्शियलिटी कौन इंश्योर करेगा? नियत तो आपकी अपने आत्मा से निकल के आनी चाहिए, अगर आपकी आत्मा ठीक है तो आप कर लोगे, वो CID भी उसको ईमानदारी से कर सकती है, CBI ही को। और ऐसा थोड़ा ही है कि CBI में हर केस फेयरली हुआ, आरुषि मर्डर केस सबको मालूम है कि CBI को हाईकोर्ट से कितनी जबरदस्त डांट पड़ी थी, और स्क्रिप्टिंग स्टोरी मतलब इवन जज साहब का नाम लेकर डांट पड़ी थी, मेरा ख्याल है जज साहब का नाम नहीं याद आ रहा है, ट्रायल कोर्ट के जज जो थे उनका नाम लेकर डांटा गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि आप फिल्म की स्टोरी लिख रहे हो, जजमेंट लिख रहे हो। आखिरी सवाल आपसे कि आम जनता जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो तो ये देख रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने 8 पुलिस के लोगों की पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी, जिसका 30 साल का क्राइम का पूरा करियर है, जिसमें 60 से ज्यादा मामले हैं, हत्याएं हैं आधे दर्जन पर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री को भी मारा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर पुलिस ने मार भी दिया तो क्या हुआ? वो आम जनता जो नहीं समझती है उसको आप कैसे बताएंगे कि क्यों जरूरी है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? नहीं, प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करना तो जरूरी है। लोग जो अभी इसके पक्ष में सुबह से व्हाट्सएप मैसेज फैला रहे हैं वो तभी तक खुश हो रहे हैं जब तक उनके किसी घर वाले के साथ ऐसा नहीं हो जाता है। क्योंकि अब तो इनफैक्ट मैं लोगों को ये बताने लगा हूँ कि पुलिस से कभी भी साबका पड़ जाए तो बड़ी मतलब विनम्रता के साथ एकदम हाथ पैर जोड़ के मामू अंकल भैया कुछ भी करके बात करो, थोड़ा भी दबंगई से बात करोगे तो पुलिस तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। आपको गुलजार की माचिस फिल्म याद होगी, माचिस फिल्म में केवल एक निरपराध आदमी को जाती करके इन लोगों ने टेररिस्ट बना दिया था, घर में अपने कुत्ते का नाम उसने वही रख दिया था जो टेररिस्ट का नाम था, इस पर साहब नाराज हो गए और उसको पीटपाट के अपाहिज कर दी गया। तो ये नहीं चलेगा, मतलब फिर हम लोग सारा ये कॉन्स्टिट्यूशन और इतनी सारी अदालतें काले कोर्ट की इतनी भीड़ हमने लगा क्यों रखी है, अगर सलमान खान की फिल्मों की तरह से ही काम करना है ऐसा नहीं होगा, वो फिल्में ताली बजाने के लिए ठीक है। आप सुने पूछू आपकी बात की, क्या ये जो हुक्मरान है सियासी इस मामले में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, क्या उनके इजाजत के या मर्जी के बगैर क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट की पुलिस अधिकारियों ने फैसला ले लिया इस एनकाउंटर पर? आई डो
कानून और ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी अब तो मतलब थाना लेवल की बात भी जो है मंत्रालय से पूछ की जाती है, तो ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। मतलब जो प्रिसेप्ट है हमारे सामने वो इसके विरुद्ध जाता है। पुलिस अधिकारी स्वतंत्र निर्णय कोई नहीं लेते हैं, और ये जो पुलिस रिफॉर्म की बात लोग कर रहे हैं, जो सुबह धोखा दे रहे होते हैं, पुलिस रिफॉर्म के नाम पे दे वांट पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। मैं केरल पुलिस एक्ट का ऑथर हूँ और हमने उसमें जानबूझकर ये प्रोविजन दिया है इस जजमेंट के इस पॉइंट के खिलाफ। नहीं, शासन के पास ये अधिकार होना चाहिए कि दो साल किसी को दो साल टेन्योर दे दिया गया, उसका मतलब ये थोड़े कि दो साल तुमको पागलपन करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया। सरकार को ये 7 पॉइंट की मैंने उसमें लिस्ट बनाई हुई है कि इस परिस्थितियों में आपको 2 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। और इनफैक्ट एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि नेता जो है किसी बैगेज के बगैर आता है, वो अपने कॉमन सेंस से आउट ऑफ द बॉक्स जाके निर्णय ले सकता है और ज्यादा कॉम्पैशनेट होता है एट टाइम्स, जबकि सरकारी अफसर हमेशा ही केवल प्रेसिडेंट खोजते हैं पहले क्या हुआ है। वो इतना स्ट्रेट जैकेटेड थिंकिंग होती है कि कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई निर्णय ले ही नहीं सकते, इवन इफ दे आर विलिंग। तो ये पुलिस रिफॉर्म के नाम पे इन लोग को अनब्रिडल्ड पावर जो है नहीं दी जानी चाहिए, नहीं वो धांधली हो जाएगी उसमें। और ये घटना जो है इसके लिए मैं मतलब आई डोंट वांट टू साउंड पेडेंटिक, लेकिन इसको इफ यू रिमेंबर फ्रॉम जूलियस सीजर शेक्सपियर का मार्क एंटनी, उसमें कहता है दिस फाउल डीड शैल स्मेल अबव द एयर, ये जो पाप हो गया है ये आसमान में जाके बदबू देगा। मतलब ऐसा फेक एनकाउंटर बहुत हुए हैं, बट दिस वाज सो ब्रेजन, मतलब जितनी दृष्टता के साथ ये कर दिया गया वो अभूतपूर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अफसोस की बात यह है कि धीरे धीरे जब कानून का राज खत्म हो रहा है देश में, एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बनाना रिपब्लिक हमारी आंखों के सामने देखते देखते बन जा रहा है, जहां पर वकील अदालतें कुछ भी काम नहीं आ रहा है, जो जिसकी मर्जी जा रही है वो कर रहा है, इंस्टीट्यूशन लगातार धराशायी हो रहे हैं। आज पुलिस के इंस्टीट्यूशन की जिस तरह से मौत होती हुई नजर आ रही है, उस पर बाकी दुख और अफसोस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत।